अपन पढ़ेंगे साइको सेक्सुअल, है ना। यस, सभी आंसर पढ़ेंगे साइको सेक्सुअल थ्योरी। यस, साइको सेक्सुअल थ्योरी किसने दी आपको पता है? फ्रूट्स ने। किसने दी? फ्रूट्स के द्वारा, ना। फ्रूट्स थ्योरी को क्या बोलते हैं? साइको सेक्सुअल थ्योरी। इसके अंदर कुछ स्टेज के बारे में बताया गया। सबसे पहले इन्फेंट है ना, इन्फेंट बता सकते हो, है ना, ठीक। उसके बाद में 1 से 3, है ना, 0 से 1 आप कह सकते हो, 1 से 3 ईयर कह सकते हो। उसके बाद में तीसरा कौन सा है? 3 to 6 ईयर कह सकते हो। और उसके बाद कौन सा है? 6 से 12 ईयर कह सकते हो। और उसके बाद में लास्ट में है अबाउट 12 ईयर कह सकते हो। इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज दी अभी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्फेंट एज 1 से 3 ईयर, उसके बाद 3 to 6, 6 से 12 या फिर अबाउट ही। उसके में इसमें क्या होगा? इन्फेंट एज में ओरल, किसका? ओरल। उसके बाद में बताइए ओरल। उसके बाद में एनाल फेज, कौन सी आती है? ओरल फेज होती है। उसके बाद कौन सी होती है? एनाल फेज होती है। कौन सी होती है? उसके बाद में फेलिक, कौन सी होती है? फेलिक फेज, है ना। यस, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरल फेज, एनाल फेज, फेली। उसके बाद कौन सी होती है? लेटेंसी फेज। कौन सी होती है? लेटेंसी फेज। और लास्ट में कौन सी आएगी? जेनाइटल फेज। क्या बात है ना, यस, जेनाइटल फेज। मैक्सिमम बच्चों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है ना, इसी तरह बने रहना। उसके बाद अपन कौन सी पढ़ेंगे? उस देखो, ये होगी साइको सेक्सुअल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद है साइको सोशियल थ्योरी, है ना। कौन सी? साइको सोशियल थ्योरी, है ना। साइको सोशियल थ्योरी किसने दी? सभी आंसर पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इरिक इरिक्सन, इरिक इरिक्सन के द्वारा, इरिक इरिक्सन थ्योरी, है ना। इरिक इरिक्सन थ्योरी को क्या बोलते हैं अपन? साइको सोशियल थ्योरी बोला जाता है। इसके अंदर कुछ बताया गया अपने, इन्फेंट, है ना, इन्फेंट से 18 मंथ, है ना, इन्फेंट से 18 मंथ। उसके बाद कौन सा है? 18 मंथ से 3 ईयर, है ना, 3 ईयर। उसके बाद में 3 to 6 ईयर, 3 to 6 ईयर। उसके बाद में कौन सा? 6 to 12 ईयर है। उसके बाद में 12 से, है ना, 12 से 8, है ना, 21 ईयर, 12 से 21 ईयर है। उसके बाद में कौन सी है? 12 से 39 ईयर है। उसके बाद में 40 से 65 ईयर है। और लास्ट में क्या है? मोर देन 65, है ना, 65 ईयर। चलो, इसमें इन्फेंट एज में क्या बताएगा? ट्रस्ट वर्सेज मिस्ट्रस्ट। किस क्या बताएगा? ट्रस्ट वर्सेज मिस्ट्रस्ट के बारे में बताएगा। ट्रस्ट वर्सेज मिस्ट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट वर्सेज मिस्ट्रस्ट के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। क्या? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम आपको पूछे किसमें देखने को मिला, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि किसमें? 18 मंथ से 3 ईयर के बीच देखा गया, ठीक है। यस, उसके बाद इनिशिएशन वर्सेस गिल्ट। किसमें? इनिशिएशन वर्सेस गिल्ट, है ना, सभी लिखेंगे। इनिशिएशन वर्सेस गिल्ट देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद में इंडस्ट्री वर्सेज इनफीरियरिटी। क्या होगा? इंडस्ट्री वर्सेज इनफीरियरिटी, है ना, इनफीरियरिटी देखने को मिलता है। उसके बाद में आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन। कौन सा होगा? आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन है। जो अपनी एज होती है कौन सी, ये क्रूशियल एज होती है, कौन सी? 12 से आप 21 ईयर कह सकते हो, ना। उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, या तो आइडेंटिटी बन जाएगी या अपना रोल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ना, रोल मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। यस, क्या बात है बीरबल जी, ना। यस, देखो आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, ठीक है। सभी आंसर पुट करेंगे, यस, सभी आंसर पुट करेंगे, ठीक है। यस, सभी आंसर पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इनिशिएटिव, है ना, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव वर्सेज क्या होगा? आइसोलेशन। उसके बाद क्या होगा? आइसोलेशन। उसके बाद में लास्ट में क्या होगा? जनरेटिविटी। क्या होगा? जनरेटिविटी, है ना, विद स्टेगमेशन देखने को मिलेगा, स्टेगमेशन, ठीक है। उसके बाद में ईगो इंटीग्रिटी। क्या होगा? ईगो इंटीग्रिटी, कौन सा होगा? ईगो इंटीग्रिटी वर्सेज डिसअपियर, ठीक है। लास्ट वाली इस कौन सी होगी, या फिर पूछा लास्ट में मोर देन 65, है ना, सभी लिख देंगे, है ना। यस, इसको सभी उतार देंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। ये किसकी? अपन ने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? साइको सेक्सुअल थ्योरी। फ्रूट ने दी उसमें इन्फेंट 0 से, ओरल फेज, एनल फेज, फेलिक, लेटेंसी और जेनेटल फेज। उसके बाद में अपन ने पढ़ा साइको सेक्सुअल जो थ्योरी इरिक इरिक्सन के द्वारा दी गई, इन्फेंट से 18 मंथ पे, ट्रस्ट वर्सेज मिस्ट्रस्ट, 18 मंथ से 3 ईयर, ऑटोनोमी वर्सेज सेम के बारे में, यस, ठीक है। उसके बाद में मुझे 3 to 6 इनिशिएशन वर्सेस गिल्ट, उसके बाद 6 से 12 इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी, 12 से 21 आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, 12 से 39 में इनिशिएशन वर्सेस आइसोलेशन, 40 से 65 में जनरेटिव स्टैग्नेशन, और